नमस्कार, कोरोना योग एपिसोड 90 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे मांडूकी मुद्रा। इसे मांडूकी मुद्रा क्यों कहते हैं? इसमें दो कारण हैं इसका मांडूकी मुद्रा का नाम रखने का। आध्यात्मिक दृष्टि से जब साधक इसकी पूर्ण स्थिति में अमृत रसपान करता है तो जीवा उछलती है मेंढक की तरह, और अगर स्थूल रूप में देखें तो शरीर की आकृति बैठे हुए मेंढक के समान होती है। अतः इसे मांडूकी मुद्रा कहा जाता है। इसकी विधि को समझेंगे। पहले आप वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आने के बाद घुटनों को दाएं बाएं फैला दें। ये देखिए, आप जब घुटनों को फैला दें, अब वज्रासन में आपके नितंब पंजों पर है। अब धीरे धीरे पंजों को नितंबों के नीचे से निकालना प्रारंभ करें, अर्थात पंजों में भी इतना गैप बना दें कि आपके नितंब धरती पर टिक जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को पलटकर घुटनों के पास जंघा वाले भाग पर रख दें। अब अपने कमर, रीढ़, गर्दन और सर को एक सीध में करें। आंखें बंद रखें कोमलता से। शरीर को शिथिल कर लें। पश्चात मुंह को बंद कर लें। अब जीभा को ऊपर सॉफ्ट तालू जो है हमारा कोमल वाला पीछे वाला, दाएं बाएं ऊपर नीचे जीवा को घुमाना है, और घुमाते हुए ये भाव बनाना है कि इस वक्त सहस्रार चक्र से या ब्रह्मरंध्र से सुधा रस टपक रहा है, और इस सुधा रस अर्थात अमृत रस का रसपान करें। ऐसा आप क्षमतानुसार जितनी देर कर सकते हैं, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इसका आनंद लें। आप एक बार देखेंगे। बहुत धीरे धीरे वापस आएं, अर्थात इसमें विशेष क्रिया जीवा की है। जीवा को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उस समय सुधा रस टपकने लगता है, जिसका साधक रसपान करने से साधक को क्या फायदे होते हैं। समय से पूर्व बाल सफेद नहीं होते, मन शांत होता है, बल की प्राप्ति होती है, शरीर की कोशिकाओं का ह्रास न्यूनतम स्तर पर आ जाता है, आयु दीर्घ होती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। और थोड़ा इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नितंब पूरी तरह से धरती पर टिकने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। अगर किसी के नितंब पूरी तरह धरती पर नहीं टिक पाते प्रारंभिक अवस्था में, वह कंबल की 4 तहें 5 तहें बना करके उसे अपने नितंबों के नीचे रख ले, ताकि मूलाधार चक्र पर बैठने की स्थिति में मांडूकी मुद्रा में दबाव बने। और जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो कुंडलिनी का जागरण भी सहज हो जाता है। अतः इस मुद्रा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक लाभ है। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अर्थात घुटनों में दर्द है, उनको इस क्रिया का, इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह मुद्रा आध्यात्मिक मुद्रा कहलाती है, बहुत लाभकारी मुद्रा है। हमें इसका अपनी साधना में, अपने अभ्यास में निरंतर जोड़ करके इसका अभ्यास करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।